वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रॉ मैंगो जूस की रेसिपी, जिसे हिंदी में आम का पन्ना कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमने लिया है 2 किलो कच्ची कैरी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून सैफरन यानी केसर और 500 ग्राम शुगर यानी कि चीनी। दोस्तों आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट अलग होता है और जूस का कलर भी थोड़ा अलग दिखेगा। तो दोस्तों अब हम आम को अच्छे से धो लेंगे और उसका छिलका निकाल लेंगे। हमें अच्छे से आम को पील करना है और जो आउटर स्किन है उसे हमें यूज़ नहीं करना। अब हमारे सारे आम पील हो चुके हैं। अब दोस्तों हम आम फिर से एक बार अच्छे से धो लेंगे और हम आम को प्रेशर कुकर के सहारे कुक करने जा रहे हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हमने जो आम काट के लिए हैं वो हम प्रेशर कुकर में डालकर लिड को क्लोज कर देंगे, ऊपर सीटी लगा देंगे और जब तक हमें 3 सीटियां सुनाई नहीं देती तब तक हम आम को प्रेशर कुकर के सहारे पकाते रहेंगे। मैंने सीटी लगा दी है, गैस को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। हमें 3 सीटियां होने तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आम हमें तभी बाहर निकालना है जब प्रेशर कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकल चुका हो और आम रूम टेम्परेचर पर आ चुका हो। आम को लगभग रूम टेम्परेचर पर आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो हमने 2 घंटे इंतज़ार किया है और अब हम आम का जो पल्प है उसे निकालना शुरू करेंगे। मैंने छुरी के सहारे आम का पल्प निकालना शुरुआत की है और मैंने सारा पल्प एक बोल में निकाल लिया है। अब हम उसमें शक्कर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, केसर ऐड करेंगे और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। दोस्तों फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हैंड ब्लेंडर के सहारे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर हो तो आप उसे यूज करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर ले और एक अच्छा सा स्मूथ मिक्सचर बना ले। दोस्तों ध्यान रहे, मैंने यहाँ शक्कर यूज की है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का कलर थोड़ा डार्क ब्राउन होता है तो आपके जूस का कलर भी हल्का ब्राउन दिखेगा और जूस का टेस्ट भी थोड़ा अलग होगा। जिन जिन को गुड़ पसंद है वो गुड़ डाल सकते हैं, मुझे शक्कर पसंद है तो मैंने शक्कर यूज़ की है। सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो पेशेंस रखिए और
सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, मैं यहाँ 2 ग्लास जूस बनाने वाला हूँ, तो मैं 1 ग्लास के लिए 2 टेबलस्पून, यानी कि 2 ग्लास के लिए मैं 4 टेबलस्पून पल्प यूज़ करूँगा। 2 ग्लास ठंडा पानी मैंने लिया है और मैं अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा ताकि हमारा रॉ मैंगो जूस रेडी हो जाए। दोस्तों, मैंने जूस ब्लेंड कर लिया है, अब हम जूस को ग्लास में सर्व करेंगे और ऊपर गार्निशिंग के लिए हम पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करेंगे, जिससे जूस का स्वाद और भी रिफ्रेशिंग लगता है। तो लो दोस्तों, अपना रॉ मैंगो जूस यानी कि आम का पन्ना अब रेडी है। तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए, और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।